करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नियंत्रक इस्तीफा दो। पार्ट थर्ड के फॉर्म की तिथि आगे बढ़ाने के छात्रों ने किया आंदोलन। पार्ट थर्ड परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ाने की मांग किया गया है। पार्ट टू और पार्ट वन रिजल्ट सही से घोषित नहीं होने से हजारों छात्रों का फॉर्म फिल नहीं हो रहा। 25 अगस्त तक विश्वविद्यालय के द्वारा अंतिम तिथि दिया गया है, लेकिन अब तक कई छात्रों का रोल नंबर नोट फॉन्ट बता रहा है, जिस कारण छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए। पार्ट वन एक्स स्टूडेंट का रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं किया गया। नियम अनुसार जब तक छात्र पार्ट वन का रिजल्ट पास नहीं होगा, तब तक पार्ट थर्ड का फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। एक तरफ रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ फॉर्म फिल नहीं किया जा रहा है। आंदोलन को देखते हुए तत्काल 5 दिन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है, लेकिन इसको ऑफलाइन कर दिया गया है, जिससे छात्रों को अब और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि छात्रों को ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म दोनों भरने का मौका दिया जाए, ताकि पार्ट वन पार्ट टू प्रमोटेड फेल छात्रों को फॉर्म भरने का भी मौका दिया जाए, नहीं तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसा छात्र का कहना है। वहीं आपको बता दें, एक छात्र जो कि अपने जीवन में सबसे अधिक संघर्ष करता है, अगर एक विश्वविद्यालय के द्वारा अगर इस तरह से कई कोई नियम बने जिससे छात्र परेशान हो, तो विश्वविद्यालय को खुद इसे संज्ञान में लेकर छात्रों की परेशानी को दूर करना चाहिए। सर, छात्रों के आक्रोश को देखते हुए तिथि बढ़ाने की बात आप करेंगे कहेंगे? नहीं, वो तो हम जब तक हायर अथॉरिटी से पूछेंगे तब तक कैसे बताएंगे। हम तो देखिए, एक समस्या के साथ 5 समस्या जुड़ा हो, तो अगर एक समस्या को हल करने में 5 समस्या खड़ा कर देंगे, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या आपको दिखी? बच्चों की समस्या है, बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बच्चों की समस्या के हल करने के लिए यहाँ बैठी है, और इसकी समस्या का हल हम तो संभालना है, क्या माना जाए इसको? उसका कारण आप समझिए, बच्चे धूप में थे, मेरा कर्तव्य यहाँ के कानून व्यवस्था से, तो कानून व्यवस्था में भी होता कि बच्चों को परेशानी नहीं हो। आप गौर कीजिए, बच्चों को मैंने ठंडा में लाया, इनकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम को सामने रखेंगे और इसका यथासंभव जो सॉल्यूशन तुरंत होगा वो तुरंत सॉल्यूशन निकालने की कोशिश। इसी संदर्भ में मैं इनके प्रॉब्लम को समझ चुका हूँ, मैं जाता हूँ। सर, क्यों नहीं सामने आ रहे? सवाल ये नहीं है, परीक्षा नियंत्रक सामने आएंगे, उनके साथ हमें भी आना पड़ेगा, तो अगर एक के आने से काम निकल जाए तो दूसरे के आने की जो सर जहां दर्जनों की संख्या में परीक्षा विभाग में कर्मचारी है, पदाधिकारी है, लेकिन छात्रों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसको क्या माना जाए कि कहां कमी है? छात्रों की संख्या बढ़ रही है और कुछ अनअवॉइडेबल रीजन के चलते ये सारा प्रॉब्लम हुआ है, वो सारे प्रॉब्लम को हम लोग ओवरकम किए हैं धीरे धीरे। सारा जो छात्र बिलख रहे हैं, इनसे क्या बात हुई है? बिलख रहे हैं वो टाइमिंग है, वो बिलखना परमानेंट नहीं रहेगा, थोड़ा सॉल्व। जो बीएड में नामांकन नहीं हो रहा है, अंतिम तिथि है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा? प्रोविजनल होता है क्या? सर क्या सर इसका तिथि बढ़ाई जाएगी? जो छात्रों का जो आक्रोश है, छात्रों का जो आक्रोश है, तिथि बढ़ाई जाएगी इसको देखते हुए जो समस्या इन लोगों का है, क्या कहेंगे सर? हमको आने दो, भीतर से बात करेंगे, इस हिसाब से बात करते हैं, आने दो भी बात सर, हो जाएगा, तुम्हारा काम से ना मतलब है, हो जाएगा सर। छात्रों के साथ आज जो यूनिवर्सिटी में हंगामा हो रहा है, वो किस लिए हंगामा हो रहा है? देखिए, रिजल्ट का समस्या को लेके छात्र आए हुए हैं और आज छात्र हंगामा कर रहे हैं। वो इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन थर्ड पार्ट का फॉर्म भराने का डेट बीतने जा रहा है और फर्स्ट पार्ट का अभी तक पूरा रिजल्ट नहीं आया है। जो भी रिजल्ट आया है उसमें प्रमोटेड कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है। हम पूछना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, आप कौन से डाटा लेके, कौन से कॉपी चेक करके इन स्टूडेंटों का रिजल्ट जारी किए हैं, जिसका एक सब्सिडरी का एग्जाम दिया छात्रों और आपने सारा ऑनर्स पेपर का नंबर दे दिए? इस विश्वविद्यालय के पास
कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है छात्रों का। यह तितंबा कर रहे हैं अपना नाकामी छुपाने के लिए। प्रधानाचार्य को नोटिस किए हैं कि आप सभी छात्रों को कॉलेज से यूनिवर्सिटी नहीं भेजिए, कॉलेज में ही आवेदन लेके आप विश्वविद्यालय में दीजिए, हम रिजल्ट देंगे। अभी यह विश्वविद्यालय चोर दलालों के चक्कर में फंसा हुआ है। जब से यह कुलपति आया, जब से यह रजिस्ट्रार आया, तब से इस विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आज छात्र इतने गर्मी में चक्कर लगा रहे हैं, कई छात्र बेहोशी के हालत में चले जाते हैं, लेकिन परीक्षा भवन में ताला मारा हुआ है। एसी के चैम्बर में बीसी साहब बैठे हुए, आपका देख लीजिए, चैम्बर से बाहर आते हैं तो एसी के गाड़ी में ही बैठ के जाते हैं। लेकिन ये छात्र जो 100 किलोमीटर से, 200 किलोमीटर से मधुबनी, झंझारपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, सहरसा, मोतिहारी तक के छात्र यहाँ आते हैं सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के, और यहाँ आने के बाद उनका काम नहीं होता है। हम मांग करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, अविलंब सारे छात्रों का जो रिजल्ट पेंडिंग है या रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, सभी एक्स स्टूडेंट का रिजल्ट जारी करे, और जो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में प्रमोट कर गया है, फेल कर गया है, उसको भी थर्ड पार्ट में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। अन्यथा मिथिला स्टूडेंट यूनियन सड़क पे उतर के जोरदार आंदोलन करेगी, और ऐसा आंदोलन होगा, उस आंदोलन में कंप्यूटर सेक्शन को हम लोग जलाने का काम करेंगे।